नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर बटाला गुरदासपुर से है। बटाला को पूर्ण रूप से जिला बनाने के लिए रोष प्रदर्शन किया गया। आजाद पार्टी के कौमी प्रधान सुरेंद्र सिंह कलसी अगुवाई में आज बटाला में आजाद पार्टी के हजारों वर्करों ने बटाला को पूर्ण रूप से जिला बनाने की मांग को लेकर शहर के अलग अलग इलाकों में रोष प्रदर्शन किया और स्थानीय गांधी चौक में बसों का जाम करके धरना दिया और कैप्टन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में बोलते प्रधान सुरेंद्र सिंह कलसी ने कहा कि बादल सरकार और मौजूदा कैप्टन सरकार में कोई भी फर्क नहीं है, या दोनों एक ही हैं, इनके सिर्फ पहनावे ही अलग हैं। इन सरकारों की जितनी भी निंदा की जाए कम है, क्योंकि साल 2006 में कैप्टन सरकार ने और 2011 में बादल सरकार ने बटाला को जिला बनाने के लिए बटाला वासियों के साथ बड़े बड़े वायदे किए थे। आज तक पुलिस जिला बटाला से संबंधित किसी भी अकाली भाजपा कांग्रेस के सियासी लीडर ने बटाला को जिला बनाने के लिए अपनी सरकार के समय में मुख्यमंत्री के पास अपना बंद मुंह नहीं खोला और सियासी रोटियां सेक रहे हैं। प्रधान कलसी ने कहा कि बड़े अफसोस की बात है, देश के बंटवारे के बाद पंजाब के राज कर चुकी सरकारें भी बटाला को जिला बनाने की मांग नहीं उठाई गई। पंजाब के छोटे छोटे कस्बों मोगा, मानसा, फतेहगढ़ साहिब, रोपड़, मोहाली, पठानकोट और फाजिलका आदि बनाए गए जिलों में मेरिट में सबसे ज्यादा बटाला शहर है, जो कि पुलिस जिला भी है, और दूसरे शहर जिनको जिला बनाया गया है उनके मेरिट कई गुना ज्यादा होने के बावजूद भी किसी भी सरकार ने बटाला को जिला नहीं बनाया। प्रधान कलसी ने कैप्टन सरकार को चेतावनी देते कहा कि अगर सरकार ने 2020 खत्म होने से पहले पहले पुलिस जिला बटाला को पूर्ण जिला ना बनाया और बुढ़ापा आदि पेंशन 2500 महीना ना की और कच्चे मकानों की ग्रांट देनी शुरू नहीं की, तो कैप्टन सरकार को 2022 के विधानसभा चुनाव में करारी हार का मुंह देखना पड़ेगा और वह इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें। प्राइम न्यूज 24 के लिए गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। आज असीं आजाद पार्टी वालों बटाले नूं पूर्ण रेवन्यू जिले की मानता देने की मंग नूं लै के अज आपां कैप्टन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, क्योंकि रोस प्रदर्शन करने की इस करके लोड़ पई कि देश की वंड तो बाद जिन्नियां भी पंजाब दे विच राज कर चुकी सरकारां उन्होंने आप अपने राज समय के दौरान उन्होंने कई मोगा, मुक्तसर, मानसा, नवांशहर कई जड़े उन्होंने 13-14 जिले बनाते, पर यह जड़े जिले बनाए हैं इन्होंने सारे जिलों के नालों बटाले का सब तो वध मैरिट आ। ये पूर्ण जिले दी सारियां शर्तां पूरियां करदा। इस बटाला साहब डिवीजन दे विच 4595 हैक्टेयर इहदा रकबा, 381 पिंड पैंदे ने, 12 कानूगो ते 121 पटवार सर्कल ने, 2 लाख तों वध बटाले शहर की अपनी आबादी आ। पर फिर भी इन्हां मैरिट होण दे बावजूद ही पंजाब दीआं जिहड़ियां मौजूदा सरकारां ने ये अन्नियां बोलियां होईआं बैठियां ने बटाले दे वासियां दी जिहड़ी जायज़ मंग आ इसनूं नज़रअंदाज़ कर रहे ने। 2006 दे विच वी पहलां कैप्टन साहब दी सरकार सी, उहनां ने बरनाला, मोहाली ते तरनतारन 3 जिले बनाते, पर असीं उदों ही कैप्टन सरकार नूं बेनतियां करदे चले आ रहे सी, पर कैप्टन सरकार ने साडी इस बेनती नूं नज़रअंदाज़ कीता। इस तों पहलां बाद विच फिर 10 साला बादल सरकार भी आई, उन्होंने भी आप मेरा ख्याल भी हजारा ही मंग पत्र भेज दिते, पर उन्हें भी नज़रअंदाज किया। उन्होंने अपने राजकाल के दौरान जुलाई 2011 के बादल ने भी बटाला वासियों के नाल बेइंसाफी की, अपना पठानकोट ते फाजिलका जिले बना दिते। पर बड़े दुख की गल है भी जेडे पुलिस जिला बटाला के नाल संबंधित अकाली भाजपा के कांग्रेस के लीडर इतने बन्ना कढ़ी फिरते हैं, वह इस बटाला के इस लोगों की इस जायज़ मंग नूं क्यों नहीं जिहड़ी उन्हां दी समय समय दी सरकारां ने जिन्हां नाल संबंधित ने वो मुख्यमंत्री तब क्यों नहीं गल नूं पहुँचाउंदे रहे भई बटाले जिला बनाओ बटाले दे। देखो हुण जिहड़ा बटाला पुलिस जिला वा इहदे विच 13 थाने, 14 पुलिस चौंकियां ते 740 पिंड बटाला दे पुलिस जिला विच बटाला दे विच मौजूद ने, और 5 विधानसभा हल्के बटाला पुलिस जिले दे विच ने, 2 विधानसभा हल्के गुरदासपुर ते दीनानगर गुरदासपुर दे विच ने। इन्ना मैरिट इन्ना होने के बावजूद भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही, ना इतों के जोड़े विधायक ने जो कैबिनेट मंत्री ने वो ध्यान नहीं देंगे। मैं कई बार कैबिनेट मंत्री सरदार तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ने भी मंग पत्र दिते आ, कई बार उन्होंने मैं मिल के भी गल की आ भी तुम साढ़े इस इलाके से तुम कैबिनेट मंत्री हो, लोगों थोड़े उत्ते माण आ, तो तुम बटाले के जिले की गल जी कैप्टन साहब नाल करो, पर पता नहीं क्यों नहीं है मूंह खोल दे। मैं इस गल से बड़ा दुख करदा भी लोगों ने बटाला वासियों ने पुलिस जिला के लोगों ने इन्हों वोटा पाइया मंत्री बनाया भी साढ़े बटाला की कोई गल सार लैन गए, पर नहीं करते। मेरा तो ख्याल है भी ये शायद
कोई टाइम टाम टोली कर रहे हैं क्योंकि 4 साल लंघ गए कैप्टन सरकार ने भी, पर कैप्टन ने भी अज बटाले जिले वास्ते कोई अज तक मूँह नहीं खोलिया। देखो जी असी 20 साल हो गए आ बटाले जिला बनाने की मांग में लैके संघर्ष करती जा रही साड़ी आजाद पार्टी, पर मैं कैप्टन साहब का एक गोला धन्यवाद करता कि इन्होंने आजाद पार्टी की एक मंग मान ली, कारपोरेशन बटाले इन्होंने बना दिता, उस मैं कैप्टन सरकार का धन्यवाद करदा। तो दूजे पास मैं उन्होंने अपील करदा वा भी कैप्टन साहब हुण तुसीं महलां तों बाहर आओ ते बटाला वासियां दी इस जायज मंग नूं मतलब के मंजूर करो, कैबिनेट की विशेष मीटिंग बुलाओ, उस 2000 आ जो तुहाडे चल रहा वा ये खत्म होने तों पहलां पहलां बटाला वासियों नूं एक तोहफा दो, 4 साल तुहाडे बीत रहे ने, मुड़ के 5वां जाण वाला वा, फिर इलैक्शन तुहाडी फिर हो जाणी भी तुसीं उधर रुज जाणा वा। तो दूजे पास मैं होर भी बेनती करदा भई पंजाब दे विच वेखो हरियाणा दिल्ली जां होर उत्थे बुढ़ापा विधवा पेंशन जिहड़ी आ ओह किन्नी आ, तुहाडे नाल दुखणी तिगणी आ, पर बटाला ते जो पंजाब दे लोक जिहड़े ने तुहाडे वल देख रहे ने भी कैप्टन साहब कदों साडी बुढ़ापा पेंशन विधवा पेंशन वधाउंदे आ। तुहानूं इह वी अज आजाद पार्टी वल्लों बेनती कीती जांदी है कि बुढ़ापा विधवा पेंशन जिहड़ी आ इहनूं घटो घट, तुसीं आपे वादा कीता सी भी मैं 2500 रुपया महीना पेंशन करांगा ते अपने वादे नूं पूरा करो, इहनूं 2500 रुपया बुढ़ापा पेंशन जिहड़ी इह करो ते बटाले नूं जिला जे अनाउंस कर दो। नंबर 3 पंजाब दे विच जिन्हें पिंड आ उन्हां पिंडां दे विच जे तुसीं आप मौका देखो जां मैं तुहानूं मौका दिखाउणा, इहो जिहे गरीब लोक उन्हां दे मकान टुटे भज्जे बुरा हाल बन के दिहाड़े आ, कई मौतां भी हो गईआं मकान लै के, पर उहनां नूं ग्रांट दी सहूलत नहीं मिली। इहो जिहा रस्ता लभो जिहदे नाल असल गरीब लोक जिहड़े आ उहनां नूं ग्रांट दी सहूलत मिल सके।